योर मनी में आज हमारा फोकस है लोन और क्रेडिट कार्ड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान अपना पैसा .com के CEO हर्ष रूंगटा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका हर्ष जी। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से परेश अग्रवाल हमारे साथ है। परेश पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, मेरा नाम परेश अग्रवाल है। हाँ जी, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैंने 10 साल से मैं ट्रैवल एजेंसी चालू है मेरा। ओके। जो फेयरली गुड बिजनेस कर रहा है। हाँ जी। अभी लास्ट 3 महीने पहले मैंने एक कोटक महिंद्रा में लोन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया इस ये कहने के ऊपर कि मेरा एक चेक बाउंस हुआ है। ओके। जबकि आई हैव अ वेरी क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री, उसके बावजूद उन्होंने लोन रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये पूछना है कि मतलब आखिर लोन क्यों रिजेक्ट किया जाता है? मतलब जब मैंने उनको ये प्रूफ दे दिया कि वो जो लोन रिजेक्ट हुआ, सॉरी जो चेक बाउंस हुआ है, वो मेरी गलती से नहीं हुआ है, वो सब टेक्निकल कारण से हुआ है। एंड हैविंग अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, एवरीथिंग गुड, देन ऑल्सो दे हैव रिजेक्टेड माय लोन। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई। तो हर्ष जी, इनके ऑलरेडी 4 लोन चल रहे थे, 4 कार लोन, एक गलती हुई है, इनकी भी गलती नहीं बता रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो अब जब नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक किस ग्राउंड पे मना कर सकती है? तो कई ग्राउंड्स हो सकते हैं, एक बाउंस का, और जो भी ऑब्वियसली टेक्निकल गलती भी हुई होगी तो उन्होंने तुरंत उसको चुका दिया होगा 2-4-5 दिनों की डिले से। अगर सिर्फ वो एक ब्लेमिश है उसके बेसिस पे कोई भी बैंक रिजेक्ट करेगा, ये हो ही नहीं सकता जी। तो ऑब्वियसली जो बैंक इनको बोल रहा है और जो एक्चुअल रीजंस है शायद अलग हो। तो सबसे पहले तो अगर ये इससे बहुत इससे इनको बहुत ज्यादा अगर दुख हो रहा है कि वो बैंक ने मुझे रिजेक्ट किया तो कैसे, जब मेरी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी, और स्वाभाविक है जो आदमी ने क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करी है उसको दुख ये होता है, लोन तो और कहीं भी मिल जाएगा लेकिन इस बैंक ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो अंडर जो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स कोड है, उसके जो प्रैक्टिसेस जो हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती है, उसमें इनको राइट है कि ये बैंक से राइटिंग में लें कि मेरा लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है। ओके। और दूसरी बात, इनको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी खुद ले लेनी चाहिए, जो शायद जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से इनके पास है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट। राइट। तो क्लियरली अगर एक यही ब्लेमिश है इसके बेसिस पे नहीं हुआ है, उनके बैंक स्टेटमेंट दिए होंगे उसमें लोन के अलावा और भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है या लेवल ऑफ जो बिजनेस होना चाहिए वो नहीं है, या फिर और कोई इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ कि इनकम सफिशिएंट नहीं है एक और लोन के लिए, तो कई इश्यूज हो सकती हैं। तो जब वो बैंक से रिजेक्शन लेटर, इनका हक बनता है कि बैंक को ऑफिशियली रिजेक्ट करना पड़ेगा, और इनको सो बैंक को रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऑफिशियली कि आप मुझे रिजेक्शन लेटर दें, और अगर बैंक नहीं देता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्लियरली कंप्लेन कर सकते हैं, पहली बात वो जी। दूसरी बात, अगर ये अपने जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं उनके पास अगर जाएंगे तो अच्छा वहां से लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी, कम दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि मेरे को लगता है कि इनको काफी ठेस पहुंची है कि मेरे बैंक ने रिजेक्ट कैसे किया मुझे, तो इनको ये फॉलो करना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या रिजेक्शन की रीजन है, और बैंक को देना पड़ेगा रिजेक्शन। सलाह यही देंगे कि आप एक तो आप बैंक से रिटर्न में ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि वेट ना करें, अगर बहुत जरूरत है इस वक्त लोन की तो जिस बैंक से पहले भी लोन लिया हुआ है आपने परेश जी, आप उनके पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, आपने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मेंटेन करके रखी हुई है, तो जिस बैंक के पास आपको ऑलरेडी एक लोन अकाउंट चल रहा है, 2 लोन आपने लिए हुए HDFC बैंक से, आप वहां से 3rd लोन भी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता या फिर हर्ष जी को भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वहां से आपको लोन मिलने में। तो पहली बात तो ये कि आप कोटक बैंक से एक रिटर्न में ले लीजिए कि किस लिए वो आपको लोन देने से मना कर रही है। लेते हैं अगला सवाल विशाखापट्टनम से, जिन्ने आर कुमार हमारे साथ है। गिने जी पूछे, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग सर, मैं विशाखापट्टनम से जिन्ने आर कुमार बोल रहा हूँ। मैंने एक वेंडर से लैंड परचेस करने के लिए एग्रीमेंट करवाया। ओके। उसके बाद मैंने HDFC को अप्रोच किया फॉर लोन। हाँ जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके, लोन का सारा कागजात और सब बनाया सब कुछ, उन्होंने बोला 8 वर्किंग डेज में आपको दे दिया जाएगा। ओके। उसके बाद काफी 8 वर्किंग डेज 20 वर्किंग डेज खत्म हो गया, बट 8 वर्किंग डेज में दे देंगे, इसका आपके पास कोई ऐसा रिटर्न प्रूफ है कि सिर्फ वर्बली उन्होंने
किसी ने बताया आपको? ओनली वर्बली बताया एजेंट ने। ओके ओके। उसके बाद जब फॉर्म फिलअप वगैरह हो गया सब कुछ, उसके बाद 20 दिन के बाद कॉल करता रहा मैं, बोला होता रहेगा, होगा होगा, तो लास्ट में बोलते हैं कि अभी आपको एक पर्सनल गारंटर की जरूरत है। ओके। उसके बिना लोन प्रोसेस नहीं होगा। ओके। ये मेरे को इनिशियली बताया नहीं गया था। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या ये जरूरी है परचेज ऑफ लैंड के लिए, लोन लेने के लिए पर्सनल गारंटर की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुमार साहब, ऐसा कोई रूल नहीं है कि गारंटर की जरूरत है। ये तो बैंक टू बैंक पर डिपेंड करता है, और इवन विद इन अ बैंक वो आपके जो है देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके इनकम कितनी है, जो आप लोन ले रहे हैं वो प्लॉट की वैल्यू का कितना लोन है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि गारंटर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक को ये हक बनता है कि अगर उनको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो वो गारंटर मांग सकते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखने की ये है कि जहां तक प्लॉट लोन्स का सवाल, आप घर के लिए तो ले नहीं रहे हैं, प्लॉट के लिए ले रहे हैं, तो प्लॉट लोन पहले तो सभी बैंकें देती नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स देती हैं, और उसमें भी वो काफी उनका जो स्कोप होता है क्रेडिट का, जो उनके नॉर्म्स होते हैं वो काफी थोड़े सख्त होते हैं रिलेटिव टू अ होम लोन। तो सबसे पहली बात, टेन्योर आपका 5 से 7 साल होगा, ब्याज की रेट भी 1.5 से 2% ज्यादा होती है प्लॉट लोन की। उस पे जो एलिजिबिलिटी होता है, अगर 10 लाख का प्लॉट है तो उस पे शायद 6 लाख या 7 लाख ही दें, जबकि अगर 10 लाख का घर हो तो उस पे आपको 8 लाख से 8.5 लाख मिल सकता है। जो इनकम चाहिए एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट के लिए, उसमें भी उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो क्रेडिट नॉर्म सख्त होते हैं, इसलिए यह रिक्वायरमेंट आ सकता है। शायद आपने ये भी लिखा था कि ये जल्दी आपको करना है, 8 दिन की बात कही गई थी, जो सेल्स एजेंट था उनके पास, उन्होंने कहा था कि 8 दिन में आपका लोन पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूशन आज प्रॉमिस नहीं कर सकता। वो आपकी क्रेडिट अप्रूव कर सकते हैं जल्दी या रिजेक्ट कर सकते हैं जल्दी। प्रॉपर्टी में इंडिया में इतना नॉन स्टैंडर्डाइजेशन है कि उसमें लास्ट मिनट हिच आपको मान के चलनी, आप लक्की हैं अगर 8 दिन में वो जो प्रॉमिस किया गया था हो जाता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, 30-40-50% हो जाता है, स्पेशली अगर डेवलपर प्री अप्रूव्ड हो तो वो बाकी सारी चीजें चेक्ड होती है, क्रेडिट इज द मेजर थिंग, बट इस केस में शायद वैसा नहीं है, प्री अप्रूव्ड नहीं है, इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं। इनफैक्ट कई जो लेंडर्स हैं प्लॉट लोन के लिए स्पेसिफिकली, वो तो ये कहते हैं कि अगर आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से खरीद रहे हैं प्लॉट या फिर उनके जो प्री अप्रूव्ड डेवलपर्स हैं उनसे खरीद रहे हैं तो ही वो लोन देते हैं, वरना प्लॉट लोन ही नहीं देते। तो बोलने का कंक्लूजन ये है कि प्लॉट लोन इज, उसके जो नॉर्म्स हैं वो ज्यादा सख्त हैं। और चूंकि इनको जल्दी है, अब तो खैर काफी देरी ये कर चुके हैं, तो उनके साथ ये बनाए रखें संपर्क, इस वक्त किसी और बैंक के पास जाने की सलाह आप नहीं देंगे, लेकिन राइट अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, काफी देरी हो चुकी है। तो लेकिन अगर उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कहीं पे क्लियर प्रॉब्लम दिख रही है, तो उनको दूसरी बैंक में भी खोल देना चाहिए, अपना ट्राई कर देना चाहिए, लेकिन इस बैंक में थोड़ा सा ज्यादा फॉलो अप करके इसको कोई निकाल लाए तो ठीक रहेगा।